अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची प्रोग्राम बहरिया। मेरी नज़र में इस वक्त हम लोग जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें फेमस जो है या बहुत सारी वीडियोस आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देखी होंगी, जिसमें जैस्मिन मॉल है, डॉल्ची मॉल है, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोग जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं इसके अंदर कैपिटल रेजिडेंसी है आपका, और फिर उसके साथ लिबर्टी पार्क रेजिडेंसिया और इसी तरह लिबर्टी ट्रेड सेंटर जो है, ये ऐसे तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आप अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे। तो इसकी कुछ रीज़न्स होती हैं कि हम क्यों ज़्यादा फोकस जो है वो एकदम से कुछ प्रोजेक्ट्स पे जो हैं वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू मार्केट की सिचुएशन जो है वो देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो भी प्लॉट्स की मार्केटिंग करनी है, प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, या जो भी मार्केट की सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि अभी मार्केट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और हमने अपने क्लाइंट्स को किस तरह से जो है वो गाइड करना है। इससे पहले अगर हम एक साल पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि रेट्स एनालिसिस हमारे चलते थे डिफरेंट प्रीसेंट्स के, 250 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ और 125 गज़ के। तब भी हम अपने क्लाइंट्स को मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली गाइड करते थे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो हमारी बातों पे अलहमदिल्ला यकीन करते हैं जो भी हम उनको बताते हैं, क्योंकि हम मार्केट बेस पे ही सारी डिस्कशन करते हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस तरह से चल रहा है। तो अभी मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ों की एक्सचेंज हो रही है कि आपका कोई प्लॉट था या ऑलरेडी आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ था जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, या कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम उनकी फाइल जो हैं वो आपसे उन फाइल को वेलकम कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट डीएक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा आपका लिबर्टी ट्रेड सेंटर है इसमें, और इसके अलावा लिबर्टी पार्क रेजिडेंशिया के अंदर जो है वो हम लोग आपकी प्रॉपर्टीज़ को, वो आपकी कोई डिस्प्यूट फाइल है या इवन पेरेटोन के अंदर ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनको भी हम लोग जो है वो इसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि फिलहाल तीन से चार ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो टॉप पे हम लोग लेके जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है लिबर्टी ट्रेड सेंटर। इसके अंदर सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि इसमें रेंटल वैल्यू ज़्यादा है और कंप्लीशन टाइम बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात कि ये ग्राउंड प्लस टू की जो है वो बिल्डिंग होगी। फिर उसके बाद लिबर्टी पार्क रेजिडेंशिया की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपने देखी होंगी, इसका काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और फिर इसी तरह डॉल्ची मॉल जो है इसकी भी हमने ऑन साइट वीडियोज़ आपको दी, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स जो हैं वो भी फर्दर आपको अपडेट करते रहते हैं, इसका काम जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और फिर उसके अलावा डीएक्स बिल्डर्स के बारे में हम लोग जो है वो बड़ी ज़्यादा जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रीजंस है जो लोग बड़ी स्पीड के साथ मार्केट के अंदर ग्रो कर रहे हैं हम भी जो है वो उनको प्रमोट करते हैं, उनका काम दिखाते हैं। डीएक्स बिल्डर्स तकरीबन 6 से 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो मार्केट के अंदर इस वक्त कह लें कि बुकिंग वो ले रहे हैं, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारे क्लाइंट जो हैं वो विज़िट करना चाहें तो हम उनको दिखा सकते हैं कि ये लोग हैं और इन्होंने इतना काम अभी तक इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के कंसर्न्स आ रहे होते हैं कि अभी आप लोग इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, तो इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होती हैं। अभी भी जिसमें लिबर्टी ट्रेड सेंटर है, लिबर्टी पार्क रेजिडेंसी है, और डीएक्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने अपनी क्लाइंट्स की फाइल्स को जो है वो वेलकम किया है, और उसके अगेंस्ट उन कुछ क्लाइंट हमारे रेंटल वैल्यू जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, और मंथली कुछ लोगों ने लमसम पे किया था और उसके अगेंस्ट जो है उनको मंथली रेंट जा रहा है, और कुछ लोग जो है वो इंस्टॉलमेंट पे अपनी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।